जो दाई आई थी ना मन्नू को दूध पिलाने, उसी ने जहर खिलाया। ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? जो कुछ भी किया है मेरी बहू ने किया है। आपके घर जाने से पहले हरजीत बाजवा से आखिरी बार मिली थी। जिस दिन तेरी औलाद को उड़ाना होगा ना, तुझे बातें बनाने का मौका तक नहीं दूंगा। ओए हरजीत बाजवा, ऐसा सोचने की गलती दोबारा की ना तो काट डालूंगी। बच गया मनु? चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हाय, ये तो बड़ा चंगा होया, बच गया मनु। बाजवाओं ने पैसे दिए थे दाई को। ओ जी बेबे, बड़े कमीने हैं बाजवा। हाँ, अंबा, शाबाश, आज तूने बाजवाओं को करारा जवाब दिया। तूने बता दिया कि तू शेर की मां है। मेरा मनु मेरी तरह लाचार नहीं बनेगा, इसे मजबूत बनना पड़ेगा। इतना मजबूत कि कभी भी कोई भी इसे तोड़ ना सके। दीदी, की कर रही है तू? बेचारी अभी अभी हकीम के पास से आई है और तू इसे जा। छूना मत, पड़े रहने दे। एक बेचारी कैसे तड़प रही है? तो करे बर्दाश्त, इसके पास बेचारी बनने का हक नहीं है। इससे वो हक तभी छीन लिया गया था जब इसने जन्म लिया। पागल हो गई है तू? रुक जा भीरू, मां हूं मैं उसकी। इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा समझती हूं मैं। अगर इसे जिंदगी में बेचारी और लाचार बन के जीना है, उसे जीने नहीं दिया जाएगा, ना ही इसकी बहनों को, ना ही इसकी मां को, किसी को भी। इसीलिए इसकी जिंदगी के लिए जरूरी है कि ऐसे कमजोर शब्द इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिए जाए। देखा नहीं कल तूने किस तरह से इस बेचारी लड़की को मारने की कोशिश की गई? किसने की नहीं पता, बाजवाओं ने।
या पवन ही हो रही। ये बेचारी लड़की नहीं हो सकती, उसे लड़का बनना है। लोग कहते हैं ना कि बेटे बड़े ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके अंदर की ताकत मैं जगाऊंगी। इसे मैं मजबूत बनाऊंगी। वीरू, आज से इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी है। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब मैंने सबसे कहा था कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, तब सोचा नहीं था। अब सोचूंगी। ये सब आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसे जिंदा रखना है, हम सबको जिंदा रहना है, इसके पापा के सपने को अगर पूरा करना है तो सोचना पड़ेगा। वीरू, रो लेने दे इसे, जितना रोना है रो लेने, ताकि पूरी दुनिया पर हंस सके। शाजी के जाने के बाद सब बर्बाद हो गए। शाजी होते तो हमारे पैसे नहीं कटते, वो बेचारे अपने ऊपर नुकसान ले लेते। अब देखो जगन बाबू क्या बोलते हैं। मालिक नेकी राम की नेकी मालिक, ये सारे साले पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। मुझे जिनमें आपने कहे थे उनमें मैं देने को तैयार था इनको। वकील मुकदमा है, घर जाओ साध्य साहब। कल सवेरे सवेरे फिर से फसल बोने का काम शुरू करना है। जाओ जाके आराम करो, जाओ। बाबूजी, खेतों की जुताई की मजदूरी के पैसे वो तो पहले से ही कट हैं। अरे बाबूजी से बात कर रहा है, खड़ा हो जा। राम, जिस भी बंदे को ज्यादा पैसे की तलब है ना, उसे कल से खेतों पे मत बुलाना। अगर बंदे कम पड़ गए तो दूसरे गांव से बुलवा लेना। अगर इनको इतनी समझ नहीं है कि जब नुकसान हुआ है तो पैसा कम ही मिलेगा, तो फिर घर बैठना इनकी मर्जी है। पड़ जाए जी, सत श्री अकाल। पड़ जाए जी, साहिब जी कैसे हैंगे? और क्या बताऊं माल, ये मजदूरों की जात का भी कोई भरोसा नहीं होता। ये साले किसी के सगे नहीं होते। प्रजाजी, शाहजी के लिए कुछ लेकर आए थे। प्रजाजी, शाहजी के लिए हम तरबूज लाए। अब ओए, अरे प्रजाजी को कब तक खड़ा रखोगे? अरे अपने अपने थैले लेकर जाओ और रख दो, प्रजाजी खुद ले लेंगी। प्रजा जी, जगन बाबू ने हर साल से कम रेट लगाए हैं इस बार खेती के जुताई के लिए। चरण बाबू तो इससे ज्यादा पैसे देते थे जी। नेकी कह रहा था कि बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए कम पैसे होंगे। भला हम गरीब लोग तो इसी पैसे के साथ ही जिंदा रहते हैं। ये सब तो
जगन देखता है। मनु के पापा ने तो सबको पूरे पैसे देने की बात की थी। अगर फसल में नुकसान हुआ है तब वो पूरे पैसे देने को तैयार थे, तो ये तो नई फसल है, तो फिर इन सबके पैसे क्यों काट रहा है? अजी परजाई जी, क्या है ना, इस बार इतना नुकसान हुआ है जी। अजी मैं हिसाब दिखाता हूँ आपको, ऐ देखो तुझी। तुम्हारे पैसे काटे क्या? किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है निकिरा। हमारे यहाँ औरतों को बोलने का हक नहीं है। या तो शाह खुद फैसला ले, नहीं तो जो फैसला लिया गया है सब उसी को माने। अगर आप लोग चाहें तो पवनियों के इस फैसले को पंचायत में ले जा सकते हैं। पंचायत फैसला ले लेगी। मुझे पंचों पे पूरा भरोसा है। जगन बाबू, किसानों की जुताई का जो मुआवजा है उससे कम तो आप नहीं दे सकते ना? ओ जी खेत मेरे, तो फैसला भी मेरा ही होगा ना। माड़ी जी दिक्कत है कि जगन बाबू, पवनियों के खेत और उनकी जमीन से जुड़े हुए फैसले तुसी तक कर नहीं सकते। ऐ फैसले ता शाहजी नु करने है ना जी। ठीक है जी। बुला लो शाहजी को, देख लेते क्या कहते हैं शाहजी। गल तो सही है जी, शाह को तो नहीं बुला सकते, लेकिन शाह की माँ इस बात का फैसला जरूर कर सकती है। सत श्री अकाल। सरपंच सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वो एक औरत है, वो इसकी कहाँ सुनोगे? ना जी ना जगन बाबू, आपके किसान आपके फैसले से खुश नहीं है और मुकदमा भी वही लेकर आए हैं। अब पंचों का ये फैसला है कि जब तक पवनियों के शाह फैसला लेने लायक नहीं हो जाते तब तक ये सारे फैसले और दस्तखत शाह की माँ करेगी। अब शाह की मां का ये फैसला कि वो किसानों को मुआवजा देना है कि नहीं, ये तो सरपंच जी मेरे लिए तो रुलना दी बुक मेरे पति थे जी, वो होते तो इन किसान भाइयों का पैसा कभी नहीं कटता जी। मेरा फैसला भी वही है। किसान भाइयों के पैसे कम नहीं किए जाएंगे, पूरे पैसे दिए जाएंगे। अखां विच मुस्कान सी ओ कुट कुट रोंदियां पईयां ने, इन्हां दे हंझुआं दा कोई
किस्मत फुटियां किस्मत खुशबू से इनकी महकती जिंदगी ये खिलखिला दे तो चहकती जिंदगी बेटियां भी तो रब का रूप है इनमें भी तो उसका नूर है दर्जे में फिर क्यों कमी मेरी तरफ से 25,000 30,000 35,000 35,001 35,002 45,000 45,002 45,003 ओ ले आओ जी ले आओ पेपर लेके आओ 45,000 ये क्या लिखा है बाबूजी किसके दस्तखत है औरत क्यों होंगे जी आजकल पवनियों में सारा काम औरतें ही तो कर रही है ना आपके यहाँ क्या सब काम औरतें ही करती है बाजी वाह बड़ा तरक्की कर रहा है आपका गांव आप क्या है इन खेतों के फिर बोलो ना जगन जी हम तो औरतों के गुलाम हैं नीलामी बाबू हाँ
जाए। सुन, एक काम कर, अपना नाम जगन से चुगनी कर दे। हो सकता है तुझे कुछ बना दे पवनियों का। भाई औरतों की सरकार में ऐसा ही चलता है। साले मर्द बनता है। यार लड़ाई झगड़ा बंद करो। मैं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़ा बंद करो, सब कैंसिल करा दूंगा। बंद करो सब, ले चलो सब कुछ। ऑफिस में जाके नीलामी करेंगे, किसी को भी कोई बीज नहीं मिलेगा। देख लो मसाले। क्या